हिंदी एंड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुश्ताक भट्टी। तो इस वक्त हम पंजाबी कल्चर शो में मौजूद हैं कजाफी स्टेडियम में। तो हमारे साथ मौजूद फिल्म एक्टर रहमान खान मौजूद है। तो आइए नाज़रीन से जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के क्या रूज जा रहा है, क्या जवाल है, क्या रूज है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब। जी अस्सलाम भाई जान, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं D8 न्यूज़ का मशहूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए, और उससे यह है कि इस वक्त हम आज अलहमरा कजाफी में निशो बेगम को ट्रिब्यूट करने के हवाले से हमारे कराची से शाकिर साहब हैं, वो आए हैं। तो मेरी जहाँ तक बात है इंडस्ट्री के हवाले से, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर M.A. रहमान खान मेरा नाम है। मेरी फिल्म प्लेबॉय इस टाइम मुकम्मल है और इंशाल्लाह बहुत जल्द सिनेमाओं की जीनत बनने जा रही है। उस हवाले से आजकल उसकी पब्लिसिटी का काम चल रहा है, तो बाकी पोस्टर लॉन्च भी पिछले दिनों मैंने किया था। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मैं इतना कहूँगा शॉर्टकट में कि हालात चेंज हो रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बफजल खुदा वो वक्त आने वाला है जब इंडस्ट्री दोबारा अरूज पकड़ेगी। और मेरी फिल्म प्लेबॉय के हवाले से एक बार मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी फिल्म प्लेबॉय की जो कहानी है, मेरा ये चैलेंज है 70 साल फिल्म इंडस्ट्री के दौर के दौरान इस तरह की कहानी अगर एक्सपोज हुई होगी तो मैं जुर्माना अदा करूंगा। और इस फिल्म का वाइंड अप एंड 5 मिनट, वाइंड अप के 5 मिनट पहले तक अगर जिसने फिल्म ना देखी हो कोई बता देगा तो वो मुझसे इनाम हासिल कर सकता है। प्ले बॉय देखना मत भूलिएगा। प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर M.A. रहमान खान। जी नाज़रीन, M.A. रहमान खान भाई की आपने गुफ्तगू सुनी और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से सुनी। तो आगे चलते हैं दोस्तों के साथ, और भी बहुत एक्टर इधर मौजूद हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। थैंक यू जी सर रहमान साहब, थैंक यू।